सबसे भिन्न था। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर श्रम सदस्य के रूप में कार्यरत थे। दामोदर वैली डैम, महानदी डैम, सोनघाटी बांध, हीराकुंड डैम जैसे 8 बांधों का निर्माण केवल 4 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा कराया। तुंगभद्र बांध और भांकड़ा डैम भी इसी कड़ी का हिस्सा है। श्रम विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय ऊर्जा आयोग का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ, जो नदी, बांध, सिंचाई और विद्युत उत्पादन पर केंद्रित था, जिसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी भी बाबा साहब की देन है। एक श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत बड़ी है। रोजगार कार्यालय का निर्माण, काम के 8 घंटे, महिलाओं की श्रम कल्याण निधि, साप्ताहिक अवकाश, प्रसवकाल की छुट्टियां, भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महंगाई भत्ता, औद्योगिक विवाद और उन्हें सुलझाने वाले त्रिपक्षीय श्रम परिषद आदि डॉक्टर अंबेडकर की भारत के श्रम जगत को देन है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी बुद्धिमानी, दूरदृष्टि, कर्तव्य परायणता और निष्ठा के साथ पूरा किया।